अचानक बादल कैसे गिरा है? नंदू की दुल्हनिया, जब तक नंदू है ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नैना को हम कुछ नहीं होने देंगे। नंदू, तुम्हें तो बहुत चोट आई है, चलो हम दवाई लगा लें। नंदू की दुल्हनिया, तुम फिक्र मत करो, अम्मा है ना, वो झट से लेप लगाकर हमका ठीक कर देंगी। हम अभी आते। अम्मा, कली आप भी क्या वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं? हाँ मंजीमा, अब हमें समझ में आया, नैना जब भी नंदू के साथ रहती है वो सेफ रहती है, ये बात देवरी जान गया होगा, और इसीलिए उसने हमारी और नंदू की शादी की बात आधे में छोड़ दी। वो ये कोशिश करने लगा कि हमारी शादी युग से हो जाए, ताकि नंदू हमसे दूर हो जाए और वो आसानी से नैना पर हमला कर ले। खाली हमें यमुना जी और नंदू की मदद लेनी चाहिए, हो सकता है वो हमें कोई कुछ नई बात बता दे जिससे हमारे संघर्ष को एक नई दिशा मिल जाए। चलो अभी चलिए। सिद्धार्थ, ले सुन भैया, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तू कोमा में थे ना, पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ, और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मां के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तुम निकल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं, नहीं। खून, खून के बदले कौन? पर मां साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है छाई। तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं मां साहब,
हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।